नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पाटकर है। आप देख रहे हो टेक्निकल सत्यम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में ओमेगल वर्क नहीं कर रहा है? तो इसका क्या कारण है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे कि जहाँ पर आपको बताया जा रहा होगा कि अगर आपके मोबाइल में ओमेगल वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस ट्रिक को करिए, इस ट्रिक को करिए, तब आपको ओमेगल मोबाइल में वर्क करेगा, लेकिन फिर भी नहीं करता है। वहाँ पर आपको बताया जा रहा होगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का क्लियर डाटा कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए, वीपीएन लीजिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, कारण है आपके जियो का सिम। तो दोस्तों, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हो, इसी कारण आपको ओमेगल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जियो ने बहुत सारे वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा है। तो उस वेबसाइट का सर्वर जियो के सर्वर से कनेक्ट ही नहीं होगा तो कैसे वेबसाइट वर्क करेगा? दोस्तों, इसी कारण से आपका जो है ओमेगल वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ओमेगल जैसे कई सारी वेबसाइट्स है या फिर जितने भी एडल्ट वेबसाइट्स है उसको जियो ने ब्लॉक कर दिया है। इसी कारण दोस्तों वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपके में बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपके घर में और भी फ़ोन तो होंगे, आपके मम्मी पापा या फिर किसी के भी, तो उससे आप हॉटस्पॉट वाईफाई लेके ओमेगल चला सकते हो अपने मोबाइल में। अगर नहीं है तो आपको दूसरा सिम लेना पड़ेगा। अगर आप ओमेगल चलाना चाहते हो तो आपको दूसरा सिम लेना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों, यही कारण है और यही इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कोई वर्क नहीं करेगा अगर आपके पास जियो का सिम है तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।